back to my channel, guys. So today is a video where we see the OPS personalities on internet. मतलब मुझे तो तुम रोज ही देखते हो, आज हम थोड़े अलग लोग को देखने वाले हैं। अबे ये और इसका भाई टिकटॉकर्स और रीलर्स कौन नहीं है? मुझे लगता है अब टिकटॉकर्स को टिकटॉकर्स बोल के शेम करना बहुत पुराना हो चुका है। लेट्स कम अप विद समथिंग न्यू। मुझे अब लगता है कि इंडिया में जितने बच्चे स्कूल गए हैं उतने ही बच्चों ने टिकटॉक भी चलाया है। ये टिकटॉक को लेके हेट क्या है मेरे को नहीं समझ आती है। बहुत लोग मेरे को भी बोलते हैं बहन तू टिकटॉकर्स को तो रोस्ट करती थी ना, रीलर्स को तो रोस्ट कर। बहन इसके पहले हम टिकटॉक पे थे जहाँ पे हमारे 13 मिलियन फॉलोअर्स थे। What? तो शायद आप हमें यूट्यूब से जानती हैं या जानते हो, लेकिन इसके पहले बहुत सारे लोग मेरे को टिकटॉक से जानते थे। और ऐसा नहीं है कि मैंने छपरी रील्स नहीं बनाया। अब तुम अपना पुराना कोई भी वीडियो देखोगे तो तुमको लगे क्रिंज था ये तो, लेकिन मैं अच्छा एक्ट भी कर लेती हूँ, तुम इंस्टा जाके देख सकते हो मेरा। ओके। और फुकरा का ये वीडियो तो क्रिंज था भी नहीं यार। मैं तो बहुत पहले से ही बोलती हूँ, लगभग सारे यूट्यूबर्स जितने अभी पॉपुलर है सबने कभी ना कभी डब स्मैश टिकटॉक म्यूजिकली वगैरह ट्राई किया है। मेरे को तो अब ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को इसलिए टिकटॉक रास नहीं आया क्योंकि बहुत कम उम्र में सब फेमस हो रहे थे, पैसे कमा रहे थे, लोगों से वो देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए लोगों ने ये कंसिडर कर दिया कि टिकटॉक बनाना वीडियो बनाना ये सब बेकार चीजें। और ऐसे वीडियो जो बनाते हैं वो भी सबसे बेकार लोग हैं, बिन बुद्धि वाले लोग हैं। अच्छा। और मैंने कभी भी टिकटॉक या फिर किसी ऐप को ऐसे रोस्ट नहीं किया है कि भाई इस पे रहने वाले सारे लोग ही चूतिया हैं, उसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। भाई मैं तो रील्स इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं उन रील्स को आगे जाके रोस्ट कर सकूं। और ये मेरे को लगता है ये मैंने ही सिर्फ किया है यूट्यूब पे रोस्टिंग माई ओन रील्स। और मेरे को मजा आता है ऐसे वीडियोस बनाने में, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं अपने ऊपर। तो देखो पहली बात तो मैं इसको देखती हूँ एंटरटेनमेंट की तरफ से, और दूसरा कि मैं चालू हूँ। This is business. तुमको ये सारे बहाने देते देते मैं अपना इंस्टाग्राम कर लूं। शाबाश। मम्मी ने पूछा 14 फरवरी की एक्स्ट्रा क्लास है क्या? मेरे मना करने पर हंस के चली गई। भाई मैं नहीं लोला हूँ, लेकिन अब जो हमारे जनरेशन वाले बच्चे हैं वो तो आगे जाके समझ ही जाएंगे ये 14 फरवरी एक्स्ट्रा क्लास ये सब क्या होता होगा। मेरे को तो जहाँ तक याद है मेरी मम्मी को पहले भी पता था यार, जब मैं स्कूल में थी तब। अच्छा, मैंने ही तो बता दिया था मम्मी को। मैं ही बोल रही थी पता है मम्मी मेरी क्लास की सारी लड़कियों का बॉयफ्रेंड है, और ये नाम लेके कि ये लोग जा रहे हैं बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने, और घर पे ये बताने वाले कि एक्स्ट्रा क्लास है, ट्यूशन है या फिर कोई हमारे घर ही रुक रहा है। मम्मी बोलती थी नहीं हमारे घर कोई नहीं रुक रहा है, बोल देना तुम, हमारा बहाना नहीं होना चाहिए। तो मम्मी को मैंने ही बता दिया था। भाई कितनी चूतिया हो यार मैं। नहीं लेकिन मेरे को अपने आप पे भरोसा भी था कि मेरे से तो कोई नहीं पटेगा। तो लो गाइस देखिए मेरा सौतीन आया है अभी उधर से, मेरा भतार का छीन लिया बना लिया अपना। सौतीन है दुश्मन है, दुश्मन मेरा दुश्मन है। ए भगवान, भाई गांव के लोग सही में बोले होते हैं यार। तुमको क्या लग रहा है ये लोग एक्ट कर रहे हैं? नहीं, गांव में सही में ऐसा होता है, दो दो सौतने साथ में रह के ऐसे हंसी मजाक कर लेती है और दूसरे ही पल बर्तन फेंक रही होंगी एक दूसरे पे। ये वैसा ही कुछ है गाइस, इसको मजाक में मत लेना। कैसे मार रही है वो हंसते हंसते, तुम देखे जोगिंदर बना दिया एक ही मुक्के में। वीडियो डिलीट। अरे ये वीडियो ज्यादा नहीं फैलना चाहिए वरना लॉन्डे एक्सपेक्ट करने ले। हाँ मेरी गर्लफ्रेंड मेरी साइड चिक को ऐसे ट्रीट तो कर ही सकती है, उनका एक ये भी डिमांड आ जाएगा और फिर लड़कियों को बोलेंगे समझती नहीं है लड़कियां, बिना मतलब के कलेश करती है। तो क्या हुआ मैंने दूसरी लड़की पटा ली है? तो क्या हुआ मैंने तुम्हारी सौतन ला दी घर? तुम उसके साथ वीडियो बना के नहीं डाल सकती? मेरे इंस्पिरेशन अरमान मलिक को नहीं देखा तुमने? Only true Bihari can wear sports shoes on everything. भाई ये पूरे झुंड में पता नहीं कौन कौन था, ध्यान नहीं दिया मैंने ठीक से। अच्छा ओके रामचरण भी है। ओके इस पूरे झुंड में तुम देखोगे सबसे ज्यादा खुश माही भाई लग रहे हैं। और ऐसे ही सेम वीडियो अगर कोई और बना दे तो लोग उसको छपरी बोलेंगे, ऐसे वीडियो को क्रिंज बोलेंगे। क्या भाई क्या चल के क्या आ रहा है? लेकिन थला फॉर अ रीजन, सिर्फ थला है इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा अरे क्या प्यारा वीडियो है यार। लेकिन बिहारियों का यही तो है, मुझे ही देख लो तुम बोल सकते हो, तुम जो इतनी प्यारी हो लगता है कि बिहारी हो, और मुझ पे सूट भी करेगा। अच्छा भाई सेल्फ ऑब्सेस्ड, मैं आज अपनी कितनी तारीफ कर रही हूँ बिना मतलब के तो नहीं गाइस। रुक जा बहन रुक जा, ऐसा लग रहा है मेरे एंजल और डिमोनिक साइड लड़ रहे हैं। हम फर्स्ट मैं दिखूंगा, नहीं मैं दिखूंगा, लेकिन दिख कुछ और रहा है गाइस। कोई तो रोक लो भगवान।
हनुमान जी प्लीज आज मेरे जुबान को कंट्रोल करवाइए, कुछ भी बोल रही हूँ मैं। ओ भाई, अरे लेकिन जेठालाल का ये वीडियो अगर पीछे से लिया होता ना किसी ने, वीडियो अगर कोई किसी ने पीछे से लिया होता तो ये एग्जैक्टली गजगामिनी वर्क लगता। सामने से भले वो ऐसे से कर रहे हैं तो फनी लग रहा है, लेकिन है वो। मुझे तो आदित्य राव हैदरी से ज्यादा अच्छा जेठालाल का वर्क लगा। किस किस को जेठालाल का वर्क बेटर लगा गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन मेरे साथ है। और भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा कितना ओपी शो था, तुम समझ जाओ कि जितने भी अभी ट्रेंड्स आते हैं रील्स पे वो सारे कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं तारक मेहता से। मतलब पता है एडिटर्स आर डूइंग ग्रेट जॉब, लेकिन भाई फ्लैश हूँ। ओ भाई सॉरी, अरे आई एम इम्प्रेस्ड भाई, क्या स्पीड है। आज मेरा दिमाग स्पॉइल हो चुका है भाई, मैं अपने आप के लिए ऐसे जोक्स क्यों बना रही हूँ आज। जब लॉन्डे ने प्लेट फेंका ना भाई, मैं इम्प्रेस हो गई। लेकिन फिर आया दूसरा लड़का जिसने तीन तीन कटोरियां फेंकी है इतने स्पीड से। बाप रे, मैं अकेली नहीं हूँ जो इम्प्रेस हो रहा है, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में इम्प्रेस हो रहे हैं। और जो बेचारे ऐसे वीडियोस देख के इम्प्रेस हो रहे हैं, मैं बता सकती हूँ तुमको, मैं सब सिंगल है इंक्लूडिंग मी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हम लोग ऐसे वीडियोस देख के ही खुश हो जाते हैं गाइस। फर्स्ट गाय वाज जस्ट अ ट्रेलर, फर्स्ट गाय। सेकंड गाय, सेकंड वन इज निंजा हथौड़ी। आई थॉट द प्लेट्स गाय वाज इंप्रेसिव अंटिल द कटोरी गाय केम अलोंग। सेम, निंजा हथौड़ी, निंजा कटोरी। ओह, मी सेंडिंग रिज्यूमे टू एवरीवन कंपनी। पहला वाला था मी सेंडिंग रिज्यूमे टू एवरीवन कंपनी, और दूसरा वाला था द कंपनी इज रिवर्टिंग मी बैक लाइक स्टार। ये क्या कर रहा है भाई? अच्छा अच्छा, ये विद्युत मैं बाद में नोटिस कर रही हूँ कि ये विद्युत जमाल है, हाइड्रोजन एटम। भाई लेकिन ये कर क्या रहा था भाई? ऐसा लग रहा है कहीं से पापा आते हैं ना, बहुत दिन बाद काम करके पापा घर वापस आते हैं, तो कैसे हम मून के आगे पीछे गोल 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 घूमते रहते थे बचपन में, वैसा किया है विद्युत ने। माय नेम इज बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। That one kid for no reason in wedding function. True. मैं क्या बोल रही हूँ, true. मैं आज तक एक भी शादी में नहीं गई हूँ guys. किसी ने मेरे को invite नहीं किया आज तक एक भी शादी में। Invitations आए भी है तो पता नहीं कि मम्मी पापा नहीं गए हैं। अब वो जाएंगे तभी तो मैं जाऊंगी ना। लेकिन मैं videos में देखा है guys, ऐसे बच्चे बहुत irritating होते हैं, और मेरे मन में उनको देख के यही चल रहा था, इस मच्छर को कोई पकड़ के एक साइड क्यों नहीं लेके बैठा देता, या फिर काश गिर जाए, तब जाके बुद्धि सही जगह पे आएगी इसकी। रियल जूस एक के साथ दो फ्री। ओ भाई क्या मस्त है ये आजकल सारी कंपनीज बेचारे लोगों को रीलर बनने पे फोर्स कर रही है, नहीं तुमको रील भी बनाना पड़ेगा। हु कैन एक्ट, यस प्लीज कम, तुम्हारा ही तो प्रमोशन करूंगा मैं। थिंग्स मेन डू फॉर फैमिली, क्या पता भैया सिंगल हो, क्या पता शादी नहीं हुई हो। भाई इंडिया में लोग मतलब अपना दिल ऐसे बिछाए रहते हैं कि कोई तो गरीब भोला बेचारा आए जिसके लिए मैं ये सारा प्यार निछावर कर दूं। पता नहीं क्यों लोगों को इतनी दया आती है भाई, क्या पता उनको रील बनाने में मजा ही आ रहा हो, क्या पता उनको इसके लिए ज्यादा पे किया गया हो, ये भी तो हो सकता है। ब्रो डजंट गेट पेड एनफ फॉर दैट। ए इनको देखो, इनको सब पता है। आयुष भाई जबरदस्त वीडियो बनाई है आपने, लव यू ब्रो। देखो उनका किसी दोस्त ने लव यू ब्रो लिखा है, तुमको कैसे लगा वो अपनी जिंदगी में दुखी होंगे? बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि he must be sad in his life. कैसे पता तुमको? He should get paid double for doing that. और जिस कंपनी ने ये वीडियो डाला उसने ये सारे कमेंट्स को लाइक करे, बाद में आयुष भाई भी बोलेंगे मैंने देखा तुमने सारे कमेंट्स लाइक किए हैं लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई। बढ़ाओ माधरचोद भाई, मुझे माफ कर दो, सैलरी बढ़ाओ मेरी। ओके ब्रो ऑन स्क्रीन, ब्रो ऑफ स्क्रीन। ओ चलो कम से कम दिया वाला प्लेट ऐसे छीन के उल्टा उन्हीं को तो नहीं दिखा दिया, कम से कम ऐसे तो किया, वरना मेरे को लगा क्या पता वो भी ये ले चल जा।
साउथ के कुछ कुछ एक्ट्रेस इतने चिल है ना भाई, लेकिन सही बहुत सही लगता है देख के। राणा इज द ओनली वन जिन्होंने सही मतलब समझा है गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट का। अक्षय कुमार ने गलत समझा था, लेकिन अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। एनीवे गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको चाहिए ओपीएस पर्सनालिटीज ऑन इंटरनेट का नया पार्ट। इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।